नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो विचार दिए हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय है कि रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख आर्थिक विचार। रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो विचार दिया है उसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक उनका जो विचार है वो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से संबंधित है, और दूसरा जो है वो तुलनात्मक लागत के सिद्धांत से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो रिकार्डो जो थे वो मुक्त व्यापार के बहुत समर्थक थे और संरक्षण के विरोधी थे। उनका हमेशा ये तर्क रहता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए और किसी भी तरह का इसमें संरक्षण नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से जो लगान में जो वृद्धि होती है या कीमतों में जो वृद्धि होती है उसको रोका जा सकता है। कहने का मतलब है कि कीमतों में वृद्धि होने और लगान में वृद्धि होने से बचने का एक उपाय स्वतंत्र व्यापार है। उन्होंने स्वतंत्र व्यापार के संदर्भ में कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि अगर स्वतंत्र व्यापार होता है तो दूसरे देशों से सस्ते अनाज की प्राप्ति की जा सकती है, और जब सस्ते अनाज की प्राप्ति होगी तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, लगान में भी वृद्धि नहीं होगी और मजदूरों की दरों में भी वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह से अगर मजदूरों की दर में वृद्धि नहीं होती है तो लाभ की मात्रा में भी कमी नहीं होगी, तो सब तरफ से ये बेनिफिट देगा। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार की पैरवी की। नेक्स्ट उन्होंने जो तर्क दिया था स्वतंत्र व्यापार के संदर्भ में वो ये था कि स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से श्रम विभाजन संभव होता है, और जब श्रम विभाजन होता है तो नए नए उद्योगों की स्थापना होती है, श्रमिकों को अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का मौका मिलता है और साथ ही उनकी योग्यता में भी वृद्धि होती है और उनको जो है अपनी योग्यता के अनुसार मजदूरी मिलने लगती है, यानी कि श्रमिकों के लिए ये लाभकारी होता है। नेक्स्ट उनका जो कहना था कि स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से आयात निर्यात जो है वो स्वतः ही समायोजित हो जाते हैं, स्वतः ही बराबर हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि आयात अधिक हो गया है तब क्या होगा, आयात अधिक होने से देश से बहुत सारे स्वर्ण जो है वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उस समय स्वर्ण मान का चलन था। तो उनका कहना था कि जब आयात अधिक होंगे तो अपने देश से स्वर्ण जो है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि स्वर्ण के रूप में उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो अपने देश में क्या हो जाएगी, मुद्रा की कमी हो जाएगी और मुद्रा संकुचन होने लगेगा। तो यहाँ जब मुद्रा संकुचन होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि पूर्ति में वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि कीमतें कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो कीमतें कम हो जाएगी, और कीमतें कम होने से जो है पूर्ति में वृद्धि होने लगेगी। और कीमत कम हो जाने का दूसरा बेनिफिट ये होगा कि निर्यात जो है वो पहले की तुलना में सस्ते हो जाएंगे, और फिर निर्यात में वृद्धि होगी, और जब निर्यात होगा तो फिर विदेशों से स्वर्ण का आयात हो जाएगा, यानी कि विदेशों से स्वर्ण की जो मुद्रा है वो प्राप्त हो जाएगी, और इस तरह से आयात निर्यात जो है वो फिर से बैलेंस्ड हो जाएगा, फिर से एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में अपने जो भी तर्क दिए हैं उन तर्कों को ही हम लोग जो हैं वो एडम स्मिथ का जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम लोग इसे अध्ययन करते हैं, इन तर्कों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था
मुद्रा का परिमाण सिद्धांत से संबंधित रिकार्डो के जो विचार थे जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में बताए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत का भी सिद्धांत दिया था और उन्होंने ये बताया था कि एक देश अगर कोई दो वस्तु का उत्पादन सस्ती दर पर कर सकता है, सस्ती लागत पर कर सकता है, और कोई दूसरा देश दो वस्तु का उत्पादन अधिक लागत पर कर सकता है, तो भी इन दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो होगा, क्योंकि इन दोनों के वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लागत में अंतर होगा। तो रिकार्डो का कहना था कि जब कोई देश दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में लाभ प्राप्त करता है तो उसे उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसको तुलनात्मक लाभ अधिक है, और कोई दूसरा देश जिसको दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक हानि है तो उसको उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसको हानि कम है। तो इस तरह से इन दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा और दोनों देशों को ही लाभ प्राप्त होगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विचार को बताने के लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टोप बनाने के मामले में 20% श्रेष्ठ है और वो जूते बनाने के मामले में 33% श्रेष्ठ है तो ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो जूते ही बनाए और टोप बनाने का कार्य किसी और को दे दे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया है। अपने सिद्धांत को और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड और पुर्तगाल दो देशों का भी उदाहरण लिया है और इसमें उन्होंने देखा है कि एक देश जो है वो शराब का उत्पादन करता है, जैसा पुर्तगाल जो है वो शराब का और कपास का दोनों का उत्पादन कर सकता है और इंग्लैंड भी शराब और कपास दोनों का उत्पादन कर सकता है, लेकिन पुर्तगाल को शराब और कपास दोनों के उत्पादन में लाभ प्राप्त है लेकिन शराब के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त है तो पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और उसी का निर्यात करना चाहिए। अगर इंग्लैंड को कपड़े और शराब दोनों के उत्पादन में हानि है लेकिन कपड़े के उत्पादन में कम हानि है तो उसे कपड़े का उत्पादन करना चाहिए और उसका निर्यात करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों देशों को एक एक वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा। रिकार्डो ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है वो श्रम लागत के आधार पर इसकी व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि वस्तुओं का विनिमय जो होगा वो उन वस्तुओं को उत्पादित करने में लगे श्रम घंटों के आधार पर ही होगा। तो उन्होंने जो श्रम लागत का कंसेप्ट है वो एडम स्मिथ से मिलता जुलता है, उसको लेके ही उन्होंने अपने सिद्धांत की भी व्याख्या की है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो रिकार्डो ने जो तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या तुलनात्मक लागत सिद्धांत से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत दिए हैं तो उसमें वे सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी मान्यताएँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सिद्धांत जो है वो दो देश दो वस्तुओं के मॉडल पर आधारित है और यहाँ पर उन्होंने श्रम को प्रमुख इकाई के रूप में प्रयोग किया है और उन्होंने ये माना है कि श्रम जो है वो अलग अलग देशों के बीच भी पूर्ण रूप से गतिशील है, देश के अंदर भी गतिशील है। उन्होंने श्रम की विभिन्न इकाइयों को समरूप माना है और उन्होंने ये भी माना है कि कोई परिवहन लागत नहीं लगता है और विभिन्न देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो भी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और दोनों देश जो है वो स्थायी संतुलन की स्थिति में है और किसी भी प्रकार का यानी कि दोनों देशों में स्थायित्व है, व्यापार चक्र का असर दोनों देशों में नहीं पड़ता है और जो भी उत्पादन है वो अनुपातिक लागत के नियम के आधार पर होता है। तो इस तरह रिकार्डो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए इन मान्यताओं को लिया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं वो भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है।
उनकी भी कुछ आलोचनाएं की गई है। जैसे हम लोग सबसे पहली आलोचना देखते हैं कि उन्होंने जो श्रम लागत की मान्यता ली है, इस आधार पर उसकी आलोचना की गई है, क्योंकि जो भी आलोचक अर्थशास्त्री है उनका कहना है कि श्रम की सभी इकाइयाँ जो है वो समान नहीं होती है और उत्पादन का केवल एकमात्र साधन श्रम नहीं होता है, इसके अतिरिक्त दूसरे भी साधन होते हैं जिनके सहयोग से उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसीलिए किसी भी वस्तु का मूल्य केवल श्रम लागत के आधार पर ही आंकना सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो का जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो विचार है वो अनुपातिक लागत नियम पर आधारित है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि हमेशा कोई भी व्यापार जो है वो अनुपातिक नियम पर आधारित नहीं रहता है, क्योंकि आगे चल के उसमें उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता ही है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत को पूरा सही नहीं माना जा सकता है। फिर आगे हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी मान्यता में ये माना था कि श्रम जो है वो देश के अंदर भी पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं और विभिन्न देशों के बीच भी पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग देशों के बीच में भी श्रम की गतिशीलता में अभाव पाया जाता है और एक देश के अंदर भी श्रम की गतिशीलता में अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि एक ही देश के अलग अलग भागों में या अलग अलग व्यापार में आप देखिएगा कि मजदूरों की जो मजदूरी दर है वो अलग अलग होती है और ब्याज दर भी अलग अलग होती है। ये प्रमुख कारण है कि पूंजी और श्रम जो है वो पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ बाधाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रिकार्डो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को बताने के लिए ये माना है कि कोई परिवहन लागत नहीं लगता है। उन्होंने परिवहन लागत की उपेक्षा की है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई वस्तु का आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है और उस दौरान परिवहन लागतें लगती है, तो परिवहन लागत को जोड़ के कुल लागत बन जाता है। तो इस तरह कोई वस्तुओं के कीमत निर्धारण करने में परिवहन लागत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी वस्तु का ट्रांसपोर्टिंग में यानी कि परिवहन में ही ज़्यादा खर्च आ जाए तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने जो परिवहन लागत को नहीं माना है, ये भी उसके सिद्धांत की आलोचना है। फिर उन्होंने जो श्रम विभाजन का कंसेप्ट लिया है, जो उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करना चाहिए, तो ये हमेशा संभव नहीं होता है कि एक देश जो है वो पूर्ण रूप से श्रम विभाजन करे और विशिष्टीकरण करे, खासकर अगर वो छोटा देश होता है, छोटा देश या बड़ा देश के बीच में व्यापार होता है, तो उस स्थिति में दोनों देश एक एक चीज़ में विशिष्टीकरण करे ये संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा देश अगर किसी एक चीज़ में विशिष्टीकरण करता है, मान लीजिए कि भारत जो है वो कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और बर्मा जो है वो चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, बर्मा छोटा है और भारत जो है बड़ा है। अब यहाँ हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर भारत कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और चावल का आयात बर्मा से करता है, लेकिन चूँकि बर्मा छोटा देश है तो भारत की चावल की पूरी आवश्यकताओं की वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जो है एक बड़ा देश है, इसीलिए उसको चावल लेने के लिए सिर्फ बर्मा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, उसे खुद भी चावल का उत्पादन करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर हम लोग देखें कि भारत जो है वो कपास का उत्पादन करता है और बर्मा उसका कपास का आयात करता है, तो बर्मा एक छोटा देश है तो भारत में जितना भी कपास का उत्पादन होता है ज़रूरी नहीं है कि बर्मा उन सारे कपास को खरीद सके, तो इसमें भारत में कपास की मात्रा बच जाएगी। तो इस तरह से अगर एक बड़े देश और एक छोटे देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो ये संभव नहीं होता है कि दोनों देश किसी एक एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करें, ये संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने देखा था मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में रिकार्डो ने अपने कौन से विचार दिए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।